दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ शर्मा स्वागत करता हूं आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों मेरी वीडियोस को लाइक करने के लिए धन्यवाद और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं, ये देखिए ये निशान किक्स गाड़ी है। इस गाड़ी के अंदर क्या है, एक छोटी सी प्रॉब्लम आ गई है जो कि हर एक गाड़ी में होती है। ऑटोमेटिक जो गाड़ी, मतलब जो नॉर्मल गाड़ी होती है, जब आप 20 की स्पीड पे आप चलते हो गाड़ी लेके, तो ऑटोमेटिक डोर लॉक हो जाते हैं, बट इस गाड़ी में ऑटोमेटिक डोर लॉक नहीं हो रहे हैं। तो आज हम वही सेटिंग सीखेंगे, वो मैं आपको बताऊँगा, ये भी चीज़ दिखाऊँगा कि उस सेटिंग को कैसे एक्टिवेट करना है और कैसे डीएक्टिवेट करना है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को लास्ट तक देखें, अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में ही बेल आइकन भी दबा लेना ताकि अच्छी इससे अच्छी वीडियो और आपको मैं दिखाऊं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं बिना देर किए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये पुश बटन का स्विच बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब मैं सिखाने वाला हूँ कैसे डोर लॉक एक्टिवेट किया जाता है। ये स्पीड सेंसिंग जो होता है, 20 की स्पीड पे गाड़ी लॉक हो जाती है, तो उसको कैसे एक्टिवेट करना है ध्यान से देखना दोस्तों। अभी क्या करना है, ये पुश बटन है। ठीक है, जिन गाड़ियों में पुश बटन होगा, यहाँ से इसको स्टार्ट करना होता है, और दूसरा यहाँ पर की का बैरल का वो बना होता है, ये यहाँ चाबी लगती है। ठीक है, इस गाड़ी में चाबी नहीं है, तो कन्फ्यूज ना हो, दोनों का सेम ही प्रोसेस होगा। बस मैं बता देता हूँ आपको, हमें क्या करना है, यहाँ से गाड़ी स्टार्ट कर लेनी है पुश बटन दबा के। ठीक है, ये देखिए गाड़ी स्टार्ट हो गई है। ठीक है, वो देखो आरपीएम की सुई। ठीक है, अभी क्या करना है, यहाँ से तो हमने पुश बटन से गाड़ी स्टार्ट कर ली, जिस गाड़ी में चाबी होगी वहाँ से आप चाबी से स्टार्ट कर लेंगे, बस सिंपल ये है इसमें अंदर। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है दोस्तों, अब यहाँ ध्यान से देखना आप, हमें क्या करना है, ये जो लॉक का ऑप्शन बना हुआ है इस पर क्लिक करके रखना है, और क्लस्टर मीटर में आप देखना कुछ सेकंड बाद, ये देखिए ऑटो डोर लॉक ऑन, यानी इसके अंदर जो स्पीड सेंसिंग का ऑप्शन था 20 की स्पीड पे जो गाड़ी लॉक होनी चाहिए, अब इस गाड़ी के अंदर वो ऑप्शन एक्टिवेट हो चुका है। अब 20 की स्पीड पर जब गाड़ी चलेगी तो ऑटोमेटिक डोर लॉक हो जाएंगे। सेम प्रोसेस है दोस्तों डीएक्टिवेट करने का भी, पहले गाड़ी बंद कर लेंगे, बंद करने के बाद गाड़ी को फिर से स्टार्ट करेंगे क्लच दबा के। ठीक है, क्लच दबाने के बाद फिर से इसको दबाएंगे, दबाने के बाद यहाँ देखिए, ये देखिए ऑटो डोर लॉक ऑफ, यानी अब वो ऑप्शन हट गया है, अब गाड़ी 20 की स्पीड पे लॉक नहीं होगी। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप दोनों चीज़ें समझ गए होंगे, कैसे डोर को एक्टिवेट किया जाता है, डोर लॉक को, और कैसे अनलॉक किया जाता है। ठीक है, तो अब हम वापस इसको एक्टिवेट भी कर देते हैं। ठीक है, उसमें प्रोसेस क्या है, गाड़ी बंद करें, क्लच दबा लें, गाड़ी स्टार्ट करें, और फिर उसके बाद इसको दबाएँ, और 2 से 3 सेकेंड में ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगी। ये देखिए ऑटो डोर लॉक ऑप्शन, ऑटो डोर लॉक ऑन, अब ये गाड़ी 20 की स्पीड पे 100% मैं गारंटी लेता हूँ लॉक हो जाया करेगी, प्रॉब्लम सॉर्ट आउट। ठीक है दोस्तों, ये निशान किक्स है, कोई सा भी मॉडल हो, XE या XE Prime जो भी मॉडल हो, ठीक है, सब में इसी तरह से एक्टिवेट और डीएक्टिवेट किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू सो मच, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएँ ताकि अगली वीडियो में आपको और भी अच्छी वीडियो आपके पास डालूं मैं। ठीक है, YouTube पे डालता रहूं, और प्लीज़ कमेंट जरूर करके बताएं यार अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर। ठीक है दोस्तों, तो जय हिंद जय भारत दोस्तों, मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो में, थैंक यू सो मच।